हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए ये क्लास है। आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा है, 50 क्वेश्चंस का है, बिहार जीएस से रिलेटेड है। ओके, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, बड़े से छोटा, ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर आपका। तो बड़े से छोटा यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है वो पहले, उसके बाद उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो पटना है सबसे ज्यादा, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर मधुबनी है। इसमें से आपका ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सबसे जो है ज्यादा जनसंख्या है वो पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, फिर मुजफ्फर, फिर मधुबनी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है, मध्यम, निम्न, उच्च, एक भी नहीं। तो बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो मध्यम है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो सूर्य मंदिर है वो देव में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, एक मिनट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के कौन से राज्य में विद्यमान है, बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये आपका कहाँ है, बिहार में है, गंगा नदी पर स्थित है ये आपका, पटना से वैशाली जिले के मध्य जो है ये स्थित है गंगा नदी पर, और इसकी लंबाई है 5750 मीटर, 5750 मीटर इसकी लंबाई है महात्मा गांधी सेतु की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, वन मिनट, क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव है, 1974 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण, के कामराज, डॉक्टर भगवान दास, गुलजारी लाल नंदा। तो आपके संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेता कौन थे बिहार में, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चौथा। तो आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में, भारत में बिहार का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड यानी सी ऑप्शन, तृतीय स्थान है बिहार का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट आपका, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है, गिरजा संगर को, चंद्रा झा को, मोहित झा को, या रामानंदन झा को। तो किसको दिया जाता है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चंदा झा को, ऑप्शन बी राइट है, चंदा झा को मिथिला रामायण लिखने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर में कौन सा
देश स्थित है? तो आपको पता होगा बिहार के उत्तर में क्या है। तो ये आपका है बिहार, ठीक है, ये आपका है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो उत्तर में क्या है, नेपाल है ना, और इधर दक्षिण में क्या है आपका, झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है, नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में अभी बताया आपको कौन सा है, पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को, जगपति ठाकुर को, देवीपद चौधरी को, योगेंद्र शुक्ल को। तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, भोजपुरी का वो कहा जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है भिखारी ठाकुर को, ऑप्शन ए राइट है, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है? 15 नवंबर 2000 को, 25 अगस्त 2000 को, या 15 अक्टूबर 2002 को, या 5 जुलाई 2002 को। तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, ऑप्शन आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में अभी बताया था उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए राइट है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? 23%, 23.5%, 25.4%, 21.5%, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है, 25.4% जो है प्रतिशत है जनसंख्या वृद्धि है 2001 से 2011 तक। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में क्या बचा, झारखंड, क्लियर। तो पश्चिम बंगाल आपका कहाँ था, पूर्व में था, उत्तर प्रदेश कहाँ था, पश्चिम में था, और आपका उत्तर में नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, झारखंड। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है? 94,163 वर्ग, 98,065,74 वर्ग किलोमीटर, 86,000 सॉरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, 941, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वो 8,69,532 वर्ग किलोमीटर लिखा, मैंने इसको हजार में पढ़ दिया, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आपका ऑप्शन ए है, शिवहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको एक वीडियो में मैंने बताया है, बिहार के सामान्य परिचय की वीडियो में, कि बिहार के प्रमंडल कितने हैं, 9 है टोटल, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वो जनसंख्या का दृष्टि था, ये क्षेत्रफल का दृष्टि है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है बिहार का, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 में, 1902 में, 1920 या 1914। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1900 आपकी 16 में हुई है, ऑप्शन ए राइट है। ये क्वेश्चन सारे आपके थ्योरी क्लास में हो चुके हैं।
बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, जमुई, किशनगंज, सिवान। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला बिहार का है किशनगंज। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? या कितना, हाँ कितना था? 904, 1106, 690, 784। ठीक है, 784। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1106। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार की बोली को किसने बिहारी बोली कहा? ई एम फोर्स्टर्न, फजल अली, सुनीति कुमार, लल्लू लाल जी। तो 22 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ई एम फोर्स्टर्न ने कहा था कि बिहार की जो बोली है वो बिहारी बोली है। ठीक है, बिहार की बोली को बिहारी बोली बोला उन्होंने, ई एम फोर्स्टर्न ने बोला ये बात। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका, बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपके 3 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, ऑप्शन थ्री, सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 3 राज्य। आप सभी को पता है कौन से, ऊपर बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 40, 30, 25, 45। तो बिहार में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 40 हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 16 हैं। लोकसभा 40 बिहार में, राज्यसभा 16 बिहार में। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 37, 55, 38, 47। तो बिहार में जिलों की संख्या टोटल 38 है और 38वां जिला हमारा अरवल है। क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार का राजकीय पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, अनार राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता है रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। कान्हा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 29। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो इसमें जो आंसर दिया है वो 9 स्टेशन को दिया है, बट अभी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 15 स्टेशन। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क करूंगी, आप लोग इसका आंसर मुझे करेक्ट बताइएगा। इसमें जो आंसर दिया था वो 9 स्टेशन दिया था, बट गूगल पे जो अब देख रहे हैं प्रेजेंट का वो 15 स्टेशन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? जानकी देवी को, प्रियवंता देवी को, जगत रानी देवी को, शारदा सिन्हा को। तो बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 20। तो यहां पर बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 8 है। ऑप्शन ए आपका राइट है। 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा आपका कहाँ है? 32 का आंसर पटना में। ऑप्शन ए आपका राइट है, पटना।
बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 714, 534, 535, 233। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 534। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 534, सॉरी प्रखंडों की, प्रमंडल नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है? रक्सौल, पटना, पावापुरी, किशनगंज। तो यहाँ पर 34 का आंसर आपका सही हो जाएगा, रक्सौल। ठीक है, तो बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, तो ग्लाइडिंग क्लब आपका पटना में है। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता वाला जो सर्वाधिक जिला है बिहार का, वो कौन सा है? रोहतास, दरभंगा, वैशाली, नालंदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है, साक्षरता वाला, वो आपका रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 37, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? ये पूछा है आपसे, वैशाली में, औरंगाबाद में, पुरिया में, बक्सर में। तो ये आपका 37 का आंसर हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन ए आपका राइट है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, गया, सिवान, शिवहर। तो शिवहर आपका सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण होता है। ठीक है, सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 38 का हो जाएगा आपका शिवहर। जहाँ पे सबसे छोटा है, तो जो चीज छोटी होगी उसमें लोग जो है और घने घने रहेंगे, है ना, मतलब ज्यादा है तो कम जाएगा, स्पेस लेंगे, तो वही आपका घनत्व क्या हो जाएगा, वहां पे भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 39 है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 8, 4, 12, 9। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, 8। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 10 है, 15 है, 7 है या 13 है? तो बिहार में विश्वविद्यालय कितने हैं? 13 है, ऑप्शन आपका डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947 को, 1 अप्रैल 1912 को, और ऑप्शन है आपका 22 नवंबर 1937 को, 22 नवंबर 1937 को, और 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो बिहार राज्य कब आपका अस्तित्व में आया है? ये 1 अप्रैल 1912 को आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन आपका बी राइट है, बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया, रोहतास, नवादा, किशनगंज। तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है आपका? गया है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला आपका गया है। नेक्स्ट, दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा, एक जादू टोना विचारधारा, एक सामाजिक विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी लोग। क्वेश्चन आपके लास्ट 7 बचे हुए हैं आपके। तो दरियापंथी संप्रदाय जो है वो एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा है, ऑप्शन ए राइट है, संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो जीविका जो परियोजना है
वो किसकी सहायता से शुरुआत की गई थी? विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए राइट है, विश्व बैंक द्वारा जो है जीविका परियोजना बिहार में निर्धन वर्गों के लिए प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या आपकी 534 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका क्वेश्चन नंबर, बिहार के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, जहानाबाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुजफ्फरपुर को चुना गया था सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम क्या है? तो साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का जो क्रम है पढ़ाई की दृष्टि से, वो 28वां है, ठीक है, क्षेत्रफल से 12वां है। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, लीची अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 49 लास्ट टू क्वेश्चन, बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? 1, 5, 2, 4। तो बिहार में महानगर कितने हैं? 1 है, वो कौन सा है? पटना है, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश आपका कौन सा है? बिहार, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, बिहार का एग्जाम है तो बिहार ही ऑप्शन आपका राइट होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है, बिहार, जरूरी नहीं है सब में बिहार ही हो। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार करने प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? मतलब देश का प्रथम राज्य कौन सा था, ठीक है, प्रथम देश नहीं, भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? वो बिहार है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी लोग। थैंक यू।